हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आर्ट डिस्कशन चैनल में। मैं आज बात करने वाला हूँ कौन सा मोबाइल बेस्ट है आर्ट वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं छोटा सा एक इंट्रो के बाद। अगर आपको बॉक्स देखते ही पता चल गया है कौन सा मोबाइल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो में बता दूंगा ये कौन सा मोबाइल है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आप देख सकते हो मेरे पास कितना बड़ा नाइफ है, उससे मैं कुछ नहीं कटूंगा, सिर्फ बॉक्स को ही कटूंगा। आप देख लो अच्छे से कैसे बॉक्स को कट रहा हूँ। उसको काटने के बाद आपको अभी भी गैस करना है कौन सा मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है। या 1 2 3 पता चल जाएगा, पता चल गया। उसका मोबाइल का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F62। ये मोबाइल मतलब मिड रेंज में सबसे अच्छा है। आप देख सकते हो ये मोबाइल मतलब कैमरा लिटरली इतना अच्छा है ना, मैं कुछ तस्वीर क्लिक करके बाद में आप सभी को दिखा दूंगा, पहले आप वीडियो देखते जाइए लास्ट तक। ये क्या है और टूल्स, ये टूल्स निकल क्यों नहीं रहे, अटक गया क्यों, ये तो डायरेक्ट अटक ही गया, खोल क्यों नहीं रहा है, ऐसे कैसे अटक सकते हैं, निकल जा। अबे क्या तू चिपक गया कैसे, तेरे को नाइफ से काट के निकालूंगा। इतना चिपकू कैसे हो गया ये, अबे यार निकल जा। इतना हार्ड क्यों हुआ, क्या है इसमें, उसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर देख ले तो। ओ इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन है, किसी ने कभी नहीं पढ़ा वो डॉक्यूमेंटेशन है, देने का फ़ायदा ही नहीं है, वो बैन कर देना चाहिए। देने का क्या मतलब है, कोई नहीं पढ़ता है, वो सब ऐसे ही फेंक देता है। मोबाइल का बैक कवर भी नहीं है, वो मतलब हटा के वो डॉक्यूमेंटेशन हटा के वो बैक कवर देना चाहिए। वो क्या है, ये तो है टाइप सी केबल है, उससे मतलब वो इसका एक मज़ेदार फायदा है, इससे आप दूसरे मोबाइल से चार्ज अपने मोबाइल में खींच सकते हो, आपका चार्ज दूसरे मोबाइल में दे सकते हो, वो भी टाइप सी होना चाहिए। अब फाइनली आपको मिल जाएगा 25 वाट का फास्ट चार्जर, वो भी बॉक्स के अंदर। वो कितना मज़ेदार हुआ, सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो उसको मैं अभी करता हूँ साइड में, तो चला जा साइड में, बाद में देखूँगा। अभी आ गया हम लोगों के पास हम लोगों का मोबाइल, देख सकते हो वाह कितना बड़ा है, कितना प्रीमियम फील हो रहा है हाथ में लेने के बाद ही। वेट ज़्यादा है, उसका वेट है 220 ग्राम, लेकिन आप देख सकते हो पीछे में ये ग्लास नहीं है, आपको लग रहा है ग्लास है, वो पॉलीकार्बोनेट बैग है, ठीक है पॉलीकार्बोनेट, लेकिन फील इतना अच्छा आ रहा है। अगर आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो क्रैच आ जाएगा, आपको बैक कवर लगा के यूज़ करना पड़ेगा। पहले मोबाइल को से पूरे सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। फाइनली आप देख सकते हो सब कुछ सेटिंग कर लिया। इसका डिस्प्ले ओ माय गॉड, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, मतलब आप देख सकते हो इतना क्लियर क्लियरिटी, आपको देख सकते हो पूरा ब्राइटनेस बढ़ा दिया, आप देख सकते हो इतना क्लियरिटी है ना डिस्प्ले में। मैं कुछ तस्वीर भी लेके दिखाता हूँ आपको, मेरा पुराना वाले ड्राइंग का देख सकते हो। उसका जो बैक कैमरा है उसके 64 मेगापिक्चर, उसके बाद 12 मेगापिक्चर, उसके बाद 5 मेगापिक्चर और एक 5 मेगापिक्चर, और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्चर कैमरा है। उसका प्रोसेसर है एक्सिनोस 9825, जो पहले वो बहुत फ्लेक्सी प्रोसेसर था, लेकिन अभी मिड रेंज में आ गया। मतलब ड्राइंग के लिए अगर आप मोबाइल ढूंढ रहे हो ना, इससे बढ़कर नहीं मिल सकता। उसका बैटरी क्या है पता है, उसका बैटरी 7000, मतलब आप लॉन्ग टाइम वीडियो शूट कर सकते हो। ऐसा नहीं मतलब आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो करने के बाद आपका मोबाइल बैटरी चला गया, ऐसा नहीं, आप 2 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो शूट करते हो 1 दिन तक 100%। अगर आपको वो बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो जाके देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे आप बाय कर लेना।
ना, और मेरे पास आईफोन भी है वो कोई काम का नहीं है। आईफोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर, मतलब उसका प्राइस रेंज से ये प्राइस रेंज बहुत कम है। आईफोन का आपको पता है 6S उस प्राइस का बहुत ज़्यादा था, लेकिन उससे आप मतलब आधे दाम पे, आधे से भी कम दाम पे आपको ये मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये ले लो तो अच्छा रहेगा। कोई कहते हैं ना आईफोन अच्छा है, मेरे को लगता है आईफोन से वो मोबाइल बहुत ही अच्छा है, उसका बैटरी भी इतना अच्छा नहीं। तो वीडियो को कर लेते हो यहाँ पे एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।